नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू ट्रेडर यूट्यूब चैनल में हमारे। आज हम बात करेंगे दोस्तों कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। कैलेंडर स्प्रेड को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसकी रेंज और उसके ब्रेकआउट के बारे में, उसके ब्रेक इवंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो देखेंगे और एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। दोस्तों कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड इज एन ऑप्शन स्प्रेड वेयर वी कैन एंटर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस ऑन द सेम अंडरलाइंग एसेट एंड सेम स्ट्राइक प्राइस बट विद डिफरेंट डिलीवरी मंथ्स। मतलब दोस्तों कैलेंडर स्प्रेड हम जब भी बनाते हैं तो हमारा एम होता है टाइम वैल्यू अर्न करना, डिफरेंस इन टाइम वैल्यू अर्न करना। हम नियर मंथ की एक्सपायरी के कॉल और पुट में हम शॉर्ट करते हैं और फार मंथ में हम लॉन्ग करते हैं। नियर मंथ में शॉर्ट करने का मतलब दोस्तों हम उसकी पूरी टाइम वैल्यू अर्न करना चाहते हैं, प्रीमियम की पूरी टाइम वैल्यू हम अर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए हम जो शॉर्ट पोजीशन है उसे मेन कंसीडर करेंगे। और क्योंकि हम उसके हेज के लिए हम लॉन्ग मंथली पोजीशन फार मंथ की पोजीशंस को हम लॉन्ग करते हैं तो हम उन पोजीशंस को हेज पोजीशन कंसीडर करेंगे। बेसिकली दोस्तों ऑप्शन ग्रीक्स का इस पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है कैलेंडर स्प्रेड पर, ऑप्शन चेन के द्वारा हम इसकी रेंज पता करने की कोशिश करेंगे और इसके ब्रेकआउट्स या ब्रेक इवंस पता करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड बनाने के बाद मैं कितने पॉइंट्स निफ्टी के मूवमेंट या किसी भी अंडरलाइन के मूवमेंट्स तक उस कैलेंडर स्प्रेड को सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे डेफिनेट लॉस होने ही वाला है यदि वो ब्रेक इवन मेरे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। दोस्तों ये 30th अप्रैल की ऑप्शन चेन है, 9266 पर निफ्टी क्लोज हुई है, 17 अप्रैल की क्लोजिंग है और इस बार हमारी वीकली एक्सपायरी 23rd अप्रैल की है और मंथली 30th अप्रैल की है। दोस्तों ये डेटा मैंने एक्सेल में लिया हुआ है, मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। मैं मंथली कॉल को कंसीडर कर रहा हूँ और उसकी वैल्यूज मैंने ली हुई है 100 की स्ट्राइक्स के अकॉर्डिंग। वीकली की वैल्यूज हमने यहाँ लिखी हुई है, मंथली की यहाँ लिखी हुई है। दोस्तों 9300 हमारा ATM है, 9300 पर हम कंसीडर करते हैं क्योंकि यह मैक्सिमम टाइम वैल्यू है, तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि हमने वीकली को शॉर्ट कर दिया है और मंथली हमने हेज पोजीशन कॉल में लॉन्ग कर ली है। दोस्तों 187 पे यदि मैं शॉर्ट करता हूँ, 288.75 पर लॉन्ग करता हूँ, तो जब भी मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ, इन दोनों वैल्यूज का मैं डिफरेंस लिया तो वो आता है 101.75। दोस्तों ये एक्सेल में थोड़ी सी समझा देता हूँ, मैंने यहाँ ITM वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर ली है कि हम कॉल्स में इतनी वैल्यू इंदा मानी है, इसके बाद ये वीकली में टाइम वैल्यू कैलकुलेट की है कि यदि ये 8500 की स्ट्राइक पर अगर हम 800 पॉइंट इंदा मनी है और इसका प्रीमियम 828 का है तो हम 28 पॉइंट्स ही केवल इसमें टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं, सेम 92 पॉइंट्स की टाइम वैल्यू मंथली में है। तो इनका डिफरेंस बेसिकली टाइम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 63.85 है यहाँ, इसी तरह हमारा यहाँ टाइम वैल्यू का डिफरेंस 101.75 है। तो दोस्तों डिफरेंस निकालने से मुझे ये समझ आता है कि मंथली कॉल जो 288 पर ट्रेड कर रही है यदि वो 101.75 आ जाती है एनी हाउ, तो ये कब आएगी, जब निफ्टी नीचे की तरफ मूव करेगी, निफ्टी 9300 से नीचे स्लिप हो जाएगी, 8786 किसी भी वैल्यू पर ट्रेड करेगी तो इसका प्रीमियम मंथली का गिरना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली वीकली का प्रीमियम गिरेगा जो हमें चाहिए भी, लेकिन मंथली का प्रीमियम पे मैं किस वैल्यू तक सर्वाइव कर सकता हूँ ये मुझे देखना होता है। तो बेसिकली मंथली के प्रीमियम तक मैं 101 की वैल्यू तक सर्वाइव कर सकता हूँ। तो दोस्तों 101 की वैल्यू लगभग 9700 पर हमें मिल जा रही है अभी की ऑप्शन चेन में, 111 की ये वैल्यू है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि 9700 पर मुझे ये वैल्यू मिल जाती है। दैट मीन्स कि निफ्टी 400 पॉइंट यदि मूव कर जाए नीचे की तरफ 9300 से, निफ्टी यदि 8900 हो जाए तो 9300 की 288 की वैल्यू का प्रीमियम गिरकर 111 जो अभी 9700 पर है ये प्रीमियम इसे मिल जाएगा। दोस्तों ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसमें अभी हमने टाइम वैल्यू कब कंसीडर नहीं किया है कि टाइम वैल्यू भी गिरेगी, वोलेटिलिटी का भी इम्पैक्ट आएगा, हम कंसीडर कर रहे हैं कि
कि टाइम वैल्यू और वोलेटिलिटी अभी कॉन्स्टेंट है। मान लो 10 मिनट में गिर जाए तो उसमें टाइम वैल्यू का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, वोलेटिलिटी भी न्यूट्रल है। तो डेल्टा के बारे में हम समझ रहे हैं कि डेल्टा से हम कैसे ब्रेकआउट पता कर सकते हैं कि हम कहां तक इस कैलेंडर स्प्रेड में सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों 101.75 की वैल्यू तक, इस वैल्यू में मंथली की 288 की वैल्यू में 101 की वैल्यू तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। क्योंकि यदि मंथली में 288 की वैल्यू 101 रह जाती है, दैट मींस कि मैंने मंथली में 187 पॉइंट लूज कर दिए। और दोस्तों बेसिकली मैं ये स्ट्रेटेजी 187 पॉइंट गेन करने के लिए ही बना रहा हूँ। तो जब मैंने वीकली के 187 पॉइंट्स जो मैंने गेन किए वीकली के, वो मैंने मंथली में लूज कर दिए, तो उसके बाद मेरा स्ट्राइक में रहने का क्या मतलब है? उसके बाद तो मेरा ब्रेक इवन आ चुका है। उसके बाद अगर और नीचे जाएगी तो मुझको मेरी मंथली की वैल्यू में भी प्रीमियम लूज होगा। यहाँ तो मुझे उतना ही मिलना है जितना इसमें वैल्यू है 187, तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने ये पता करने की कोशिश की ऑप्शन चेन से कि 400 पॉइंट मूवमेंट पर ही मुझे ब्रेक इवन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये है नीचे की तरफ निफ्टी, यदि नीचे की तरफ चली जाती है, बेयरिश चली जाती है। अब यदि निफ्टी बुलिश आए तो बुलिश में मैं कितनी वैल्यू तक सर्वाइव कर सकता हूँ, उसके लिए हम टाइम वैल्यू देखेंगे। टाइम वैल्यू में 288 की वैल्यू 101 कब रह जाती है, वो लगभग 8600 की स्ट्राइक पर रह जाती है, 100, जो हमें यहाँ वैल्यू 100 दिख रही है। दैट मींस कि निफ्टी यदि 9300 से 700 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करती है, 1000 हो जाती है, अब इस मंथली कॉल को 288 की जगह इसका प्रीमियम 800 हो जाएगा। और इसका प्रीमियम 800 होने के साथ दोस्तों यहाँ भी प्रीमियम बढ़ेगा, हमें शॉर्ट में लॉस होगा, यहाँ भी यहाँ प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन उसकी टाइम वैल्यू 100 रह जाएगी, टाइम वैल्यू 100 रह जाएगी। तो हमें बेसिकली ब्रेक इवन हमारा इस तरीके से डेल्टा मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेक इवन इस तरह से हम निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने नीचे लिखा है 9300 की स्ट्राइक पर हम है, डाउन साइड में हमारा ब्रेक इवन 400 पॉइंट का है यदि निफ्टी नीचे की तरफ जाती है 400 पॉइंट, और ऊपर की तरफ हमारा ब्रेक इवन 700 पॉइंट का है। इससे दोस्तों मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि जब भी मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ तो मेरा पॉजिटिव साइड में ब्रेक इवन हमेशा बड़ा होता है। अगर मैं कॉल स्प्रेड बना रहा हूँ, कॉल कैलेंडर बना रहा हूँ और पुट कैलेंडर बना रहा हूँ, तो बेयरिश पोजिशन में मेरा बड़ा होगा। दोस्तों देखिए ये वैल्यूज मैंने यहाँ ली है 9300 की, अभी हम एट द मनी है 8600 पर। ये प्रीमियम के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है कि ये प्रीमियम हो जाएंगे तो यहाँ वीकली में मुझे 540 पॉइंट का लॉस होगा, तो मंथली में मुझे 511 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा। इसी तरह अगर ये नीचे जाता है 400 पॉइंट, तो वीकली में मुझे 143 पॉइंट का गेन मिल रहा होगा, तो यहाँ मैं 177 पॉइंट लूज कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ माय ब्रेक इवन आज ही। लेकिन दोस्तों इसमें क्योंकि टाइम वैल्यू भी एक फैक्टर है जो डिफरेंस इन टाइम वैल्यू के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी, पर इन वैल्यूज के बाद, इन स्ट्राइक्स के बाद मुझे उस टाइम वैल्यू का गेन नहीं मिलने वाला, थीटा का गेन नहीं मिलने वाला। तो इसलिए एक रेंज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अभी तक कि 9300 पर अभी के प्रीमियम के अकॉर्डिंग मेरा 8600 से 9700 तक की रेंज निफ्टी की आती है। इसके बीच में मुझे गेन मिल जाएगा, थीटा गेन मिल जाएगा, और इसके बाद मुझे थीटा गेन नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं वोलेटिलिटी के बारे में समझते हैं। वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन हम कैसे देखते हैं? वोलेटिलिटी मतलब वेगा, मंथली की आईवी और वीकली आईवी मैंने लिखी हुई है और वेगा की वैल्यूज मैंने कंसीडर की है। दोस्तों किसी वेबसाइट से मैंने वैल्यूज ली है, यदि वैल्यूज में कुछ चेंजेस हो तो मुझे बताइएगा, और वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज लिख सकते हैं। वीकली में एक वैल्यू ली गई है, मंथली में एक वैल्यू ली गई है। मंथली का वेगा हमेशा वीकली के वेगा से ज्यादा होता है, यानी फार मंथ का जो भी वेगा होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि वोलेटिलिटी बढ़ती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारे कैलेंडर स्प्रेड को उससे बेनिफिट मिलने वाला है। ऑब्वियसली वीकली में भी बढ़ेगा, लेकिन मंथली में क्योंकि वेगा ज्यादा होता है तो मंथली में ये प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें यहाँ गेन मिलने वाला है। और यदि वोलेटिलिटी कम होती है तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट एक बार प्रॉफिट समझ लेते हैं। लाइक 9300 पर मैंने 187 पॉइंट का गेन करना है,
और मैं ये कंसीडर करता हूँ कि 9300 पर 187 पॉइंट्स मुझे पूरे मिल जाते हैं और मेरी निफ्टी 23 मार्च को 9300 के आसपास 9300 पर एक्सपायर हो जाती है, तो मुझे यहाँ 187 पॉइंट्स का पूरा गेन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मंथली जो 288 पर अभी ट्रेड कर रही है और 6 दिन अभी एक्सपायरी के हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि आज हम 17 अप्रैल की क्लोजिंग में है, वीकली में 6 दिन है, मंथली में 13 दिन है। इसी तरह जब ये 23 में एक्सपायर होगा तो मंथली में 7 दिन टू 7 डेज टू एक्सपायर रह जाएगा। तो दोस्तों इसका भी तो टाइम वैल्यू कुछ ना कुछ टूटेगा, ये 288 तो नहीं होगा उस टाइम जब ये 187 6 दिन बाद 0 होगा, तो ये भी तो 288 से कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू टूटेगा। तो इस टाइम वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं कि ये मान लीजिए 80 पॉइंट्स टूट जाता है, यदि 88 पॉइंट्स टूट जाता है और इसकी प्रीमियम 200 रह जाता है 7 डेज टू एक्सपायर में, इसका प्रीमियम 200 रह जाता है और 87 पॉइंट्स यहां 88 पॉइंट्स टूट जाता है, तो लगभग लगभग 100 पॉइंट्स का मुझे मैक्स गेन मिलने वाला है 187 माइनस इसका टाइम वैल्यू। तो डिफरेंस इन टाइम वैल्यू मुझे गेन मिलने वाला है, इस तरीके से डिफरेंस इन टाइम वैल्यू गेन होगा। अब दोस्तों बेसिकली मैं 100 पॉइंट्स के गेन के लिए ये स्ट्रेटजी प्ले कर रहा हूँ और रेंज मैंने आपको समझा दिया डेल्टा के अकॉर्डिंग मैं कैसे रेंज को इसे डिसाइड कर सकता हूँ। वोलाटिलिटी में दोस्तों यदि वोलाटिलिटी कम होती है तो मुझे ये वैल्यूज आईवी के अकॉर्डिंग, वोलेटिलिटी यदि कम होती है वेगा अगर मैं रोज ट्रैक करूंगा तो मुझे उससे ये समझ आ जाएगा कि वोलेटिलिटी कम होने से मेरा डिफरेंस कितना कम हो रहा है। तो दोस्तों मुझे जो 100 पॉइंट का गेन मिलने वाला है उसमें मुझे ये डिफरेंस भी कम करना होगा। लाइक अगर वोलेटिलिटी 1 पॉइंट यहाँ कम हो जाती है, 1% कम हो जाती है, तो मुझे 2.5 पॉइंट के लगभग यहाँ लॉस होने वाला है, तो मेरा दोस्तों मैक्सिमम गेन 97.5 का रह जाएगा। अब मैं अकॉर्डिंग टू 97.5 पॉइंट्स पे इसके डेल्टा को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है वेगा वोलेटिलिटी के फैक्टर से आप वोलेटिलिटी के तरीके से भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक एडजस्टमेंट जो इसमें होती है, बहुत बेसिक एडजस्टमेंट होती है कि यदि मुझे ये समझ आ रहा है कि निफ्टी नीचे मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है यानी यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकता हूँ, मैं दूसरे फैक्टर्स चेक कर सकता हूँ और मुझे यहाँ यदि सपोर्ट नजर आ रहा है, मुझे ये समझ आता है कि नीचे की तरफ मूव कर रही है और अभी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक इसके ऊपर आने का चांस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो मैं इस स्ट्राइक को, जो भी मेरी ये शॉर्ट की स्ट्राइक है, इसे मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ सो दैट कि मुझे थोड़ी टाइम वैल्यू और मिल जाए। इस तरह से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली दोस्तों ये मंथली की टाइम वैल्यू कम होगी तो मैं मंथली में एक कैलेंडर स्प्रेड बना सकता हूँ, मंथली में एक मैं कॉल स्प्रेड बना सकता हूँ, बियर कॉल स्प्रेड, मैं किसी ऊपर की स्ट्राइक को मंथली में शॉर्ट कर सकता हूँ सो दैट कि मंथली में मुझे यहाँ गेन मिल जाए। बेसिकली टाइम वैल्यू गेन करने के लिए मैं कोई भी स्प्रेड बना के इसको यूज कर सकता हूँ या मैं पुट लॉन्ग कर सकता हूँ। इस तरह की एडजस्टमेंट हम इसमें देखते हैं दोस्तों। शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया जा सकता है वीकली स्ट्राइक्स में, शॉर्ट स्ट्रेडल में बना सकता हूँ, कॉल और पुट में, कॉल में राइटिंग कर, जैसे कॉल में शिफ्ट करके नीचे, एट द मनी भी शॉर्ट स्ट्रेडल में बना के। लेकिन बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो एडजस्टमेंट में इनिशियल ब्रेक इवेंस को हार्म नहीं करना चाहिए। इनिशियल ब्रेक इवेंस में दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 90 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का मुझे मिलने वाला है। यदि मुझे एडजस्टमेंट में ही लॉस होने लगेगा तो वो एडजस्टमेंट का जो लॉस है वो मेरा ब्रेक इवन में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यदि मेरी रेंज के अंदर, मेरी रेंज से बाहर निफ्टी जाती है, मेरी रेंज से बाहर यदि अंडरलाइन जाती है तो मुझे उस तरीके से एडजस्टमेंट गेन मिलना चाहिए, और यदि मेरी रेंज के अंदर वापस आ जाती है तो मुझे वो एडजस्टमेंट्स हटा देनी होती है, क्योंकि मेरी रेंज के अंदर तो मुझे प्रॉफिट मिलने ही वाला है दोस्तों इनिशियल ब्रेक इवंस में, और यदि मेरी रेंज के बाहर वो जाए तो मुझे एडजस्टमेंट का गेन लेना चाहिए एडजस्टमेंट। और इसमें जो कैलेंडर स्प्रेड में बेसिक एडजस्टमेंट होती है दोस्तों वो थीटा गेन एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लॉस 101 पॉइंट का होने वाला है तो मैं 101 पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा जो मुझे थीटा गेन से ही मिल पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कंटेंट को यदि कैलेंडर स्प्रेड का बारे में आपको समझ आया हो, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं द एक्यू ट्रेडर में। दोस्तों ये वीडियोस मैंने अभी अभी बनानी शुरू की हैं, बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारा टॉपिक है, टाइम भी काफी लगता है कंटेंट तैयार करने में,
आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं द IQ ट्रेडर पर। थैंक यू दोस्तों।